गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं, वो एक बार अपने को याद करने हैं, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन वही करेंगे जो अपने फिजिक्स में यूज होंगी। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन एक लंबा चौड़ा पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे इसको, लेकिन अपने जो काम का है फिजिक्स में जो अपने को यूज होगा वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है देखो, सबसे पहले अपने पास है फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, एक्स की पावर एन है पहला फार्मूला, क्या हमारे पास एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का जो फार्मूला होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और वो एज इट इज़ पावर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्स की पावर 5 दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला है डी एक्स इंटू एक्स। तो डी एक्स इंटू एक्स का मतलब क्या है कि हमें डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 1 के, ये कॉन्स्टेंट कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लो एक बार कैसे होगा, जैसे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 0 इंटू, अब पावर में 1 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना होगा। ठीक है, ऐड किया तो एक्स की पावर 1, ठीक है, एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, अपने पास एक्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब अगला अपने पास यू प्लस वी इंटू डी एक्स, यू प्लस वी का इंटीग्रेशन करना है। तो यू प्लस वी का मतलब क्या है कि आपके पास दो टर्म्स हैं और वो एडिशन की टर्म में, उनका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अगला है अपने पास सी इंटू यू इंटू डी एक्स। सी तो एक कॉन्स्टेंट है, सी के अपने पास एक कॉन्स्टेंट है, ये आपको याद रखना है, और यू क्या है, अपने पास एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, तो u इंटू डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट को रखा इंटीग्रेशन से बाहर, u इंटू डी एक्स, हम u का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ओके, दूसरा अपने पास है c इंटू एक्स की पावर n इंटू डी, फिर से c कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, तो x की पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगला है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x। तो देखो डी एक्स अपॉन x, ये जो टर्म है, अगर आपको नीचे कोई टर्म दे रखी है, ठीक है, और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ ई विद ए बेस ई, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई। ठीक है, हो गए। अब आता है ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स रहता है, सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स रहेगा। ठीक है, अगला अपने पास e की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स तो एज इट इज, और ए एक्स का करेंगे तो देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर ए एक्स का क्या रहेगा, एज इट इज e की पावर ए एक्स, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, ओके, ये आपको याद करना। उसके बाद अगला है अपने पास, अगला फॉर्मूला है ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ए की पावर एक्स एज इट इज और लॉग ऑफ ई इंटू ए, लॉग ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अभी आपको याद करना है, ये तो लगभग काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, और सीकेंट स्केयर एक्स का टेंजेंट एक्स। देखो यहाँ पे बेटा ध्यान ये रखना है कि देखो ये किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ डी एक्स है ना, यहाँ क्या है डी एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए तब जाके अपने पास इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ पे मान लो वाई होता हो, यहाँ पे डी एक्स है, तो ये फिर ये अगर यहाँ पे वाई होता ना, तो ये अपने पास क्या बन जाता, ये कॉन्स्टेंट बन जाता। जैसे यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे वाई होता तो फिर क्या होता, ये अपने पास क्या हो जाता, कॉन्स्टेंट हो जाता, और ये बाहर आ जाता, फिर सिंपली मान के
करते, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dx है। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके, अगला अपने पास कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है। क्या है? कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होगा? माइनस कोट ऑफ एक्स, माइनस कोट ऑफ एक्स। अगला है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, सिमिलरली कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होगा? कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपने पास साइन एन एक्स का, देखो यहाँ पे बेटा क्या साइन एक्स नहीं है, मतलब एक्स के साथ एंगल में और कुछ भी दे रखा है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो पहले साइन का करते हैं। साइन का क्या होता है? माइनस कोस एन एक्स। साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कोस एन एक्स हो जाएगा। अब एंगल का करते हैं एन एक्स का, तो एन एक्स का एन हो जाएगा और वो एन किधर आएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली कोस एन एक्स का, कोस एन एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एन एक्स, ठीक है। कोस एन एक्स का क्या होगा? कोस का बेटा ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा अपने पास, ठीक है, ये याद रखना, ये प्लस होगा, प्लस कोस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, फिर हम कल इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये अपने पास इंटीग्रेशन है, ओके, ये फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।